क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र तारामंडल वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरा तथा सुयश इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के 150 छात्रों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक विशेष जानकारी प्रदान करते हुए छात्रों को यह बताएं कि बेसिक साइंस हमेशा आपको ज्ञान प्रदान करती है। गैलेक्सी में प्रवर्तित हो गए, जब गैलेक्सी और आगे बढ़ी तो ये मानव का रूप धारण कर लिया। ये आदमी जिन पूरी तरह से कहीं अनभिज्ञ नहीं है, हमारी सृष्टि कैसे हुई इसमें अनभिज्ञता कुछ नहीं है, बस ये है कि हम उसको जान नहीं पाते वहां तक पहुंचे। स्वागत में कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से होती है कि सबका सम्मान हो। आप सभी का सम्मान भी होगा, वो हम सम्मान देंगे आपको तारामंडल दिखाकर। पहले आप लोगों को इन प्रबुद्ध लोगों की बातें सुननी होंगी और जितेंद्र सिंह जी की जो उपलब्धियां हैं उनके एक्सपेरिमेंट हैं। मैं चाहूंगा आप अपने विज्ञान से आधारित एक्सपेरिमेंट को बच्चों के सामने प्रदर्शित करने का कष्ट करें। अब इसमें जो एलईडी बल्ब होता है वही खराब हो जाता है। इसमें दो पार्ट आपके होते हैं, एक तो पावर सप्लाई और ऊपर का जो एलईडी बल्ब वाला हिस्सा होता है, या तो पावर सप्लाई आपकी खराब होगी या फिर एलईडी बल्ब भी जनरली खराब जाते हैं, तो हमको एलईडी बल्ब को रिप्लेस कर देना है या फिर शॉर्ट कर देना है। हम चेक कैसे करेंगे कि एलईडी बल्ब कौन सा इसमें खराब है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी चिमटी आती है इस टाइप से इंसुलेटेड वाली, ऊपर दो टिप में ही केवल इसमें खाली होती है, इसे हम चेक करेंगे कि एलईडी कौन सी खराब है। अब ये देखिए जलने लगा, हमने उस पे टिप किया जो एलईडी खराब थी, उसको क्या कर दिया इसने, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, जल रहा है। अब क्या करेंगे, इस एलईडी बल्ब को हम तोड़ देंगे और तोड़कर यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन हम गर्म कर रहे हैं, शॉर्ट कर देंगे, कैप लगा देंगे, फिर जलेगा ये। आज प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं और हमको यह जानना आवश्यक है कि हम कैसे विकास करें प्रौद्योगिकी का। तो इसमें जानने के लिए आवश्यक ये है कि क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं। वैज्ञानिक का यही काम नहीं है कि वो खुद शोध करें, खुद सारी चीज़ें करें। अगर समाज गलत दिशा पर जा रहा है, अभी सर ने अंधविश्वास की बात की, बहुत निकालना बहुत आसान है। हम अपनी बात को केवल इस पर केंद्रित रखते हैं कि जब हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई न कोई साइंस होती है, क्योंकि अगर साइंस ही मूल है, अगर साइंस हम नहीं अपनी बढ़ाते हैं आगे तो प्रौद्योगिकी को आगे नहीं बढ़ाते। तो इसलिए सबसे आवश्यक ये है कि हमको साइंस के क्षेत्र में काम करना होगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तालियां भी नहीं, तालियां भी सिखा रहे। मेरे दुख दर्द का हो तुम पर असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का हो तुम पर असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। सभी लोग नहीं बोल सकते और खास करके विज्ञान का विद्यार्थी तो एकदम से नहीं बोलता, इतिहास भूगोल का विद्यार्थी हो तो बोल। कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन को क्यों हम मनाते हैं, इसके बारे में जाने और साइंस से जुड़ी बातों को समझे और देखें।
यही मतलब हम लोग को पता नहीं था भी इस बारे में, यहाँ पे आने के बाद इसके बारे में और बहुत चीज जाने और समझे, बहुत अच्छा लगा और नई चीजों के बारे में भी जाने। कॉलेज में आप लोग ऑफ फार्मेसी, आप लोग बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जान के, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी, आगे चल के बहुत जानकारी प्राप्त हुई। मैं एक्चुअली हम लोग लेट आए थे इसलिए जो भी हुआ अच्छा लगा है, अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आके, सर वैज्ञानिक के बारे में मतलब यहाँ के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज हम लोगों को मिला होगा। जो टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है इसका क्या तकलीफ रहा और कैसा? बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने खास करके जो युवा वैज्ञानिक हैं उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्ट लिया। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज के युवा वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी डे जैसे महत्वपूर्ण दिवस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उनकी रोचकता बढ़ रही है, वो हमारे देश के नाम को रोशन करने के लिए, प्रदेश के नाम को रोशन करने के लिए अपने वैज्ञानिक प्रतिभा को दिखा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए हमारे लिए खास करके गर्व की बात है, क्योंकि मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का वैज्ञानिक अधिकारी तारामंडल के इंचार्ज होने के नाते एस्ट्रोनॉमी से संबंधित उसके रहस्यों को बताना, विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों को आगे ले जाना ये मेरा कर्तव्य है और उसमें सबने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ये मेरे गर्व की बात है। आज के प्रौद्योगिकी दिवस पर आम जनमानस को, विद्यार्थियों को, सबको साधुवाद, धन्यवाद। सर आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह बच्चों के विकास के लिए इस तरह के प्रोग्राम आवश्यक हैं जिससे उनके अंदर एक जागृति पैदा हो और वो इन चीज़ों को आगे बढ़ावें जिससे कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ देश का विकास हो। ये उनका तो विकास होगा ही, ये देश का विकास, देश के विकास के लिए आवश्यक है इस तरह के प्रोग्राम। सर बहुत अच्छा लगा, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, हम फ्रॉम टूयश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और हमारे साथ बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ पे कई सारे स्पीकर्स ने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट। इवन यहाँ पे आके कई न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मालूम चला, जितेंद्र जी स्पेशली आपने बच्चों को एक टेक्नोलॉजी सिखाई जिसके अंदर आप एक वेस्ट बल्ब से उस बल्ब को रिनोवेट कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, बच्चे आपकी तारीफ भी कर रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्लैड कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम डे बाई डे रिकवर कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने क्या सीखा? सर हम टूयश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से आए हुए छात्र हैं, हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम जानते नहीं थे टेक्नोलॉजी डे क्या क्यों मनाया जाता है, हमें सर ने बताया क्यों मनाया जाता है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कितने संघर्ष किए, किस प्रकार हमारी देश को इतना एटॉमिक के बारे में, बम के बारे में कैसे परीक्षण किए, कितने संघर्ष करके उनके बाद उन्होंने परमाणु बम बनाया, फिर उसका परीक्षण किया, कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन इसी में मतलब व्यर्थ कर दिया था। और हमने सीखा था कि हम कैसे अपने मतलब रोजगार पा सकते हैं सर, पढ़ने के साथ साथ कोई भी काम करके अपने घर पे कुछ मतलब छोटा सा बल्ब बना के, बिगड़ा हुआ बल्ब बना के LED बल्ब से हम अपने रोजगार के रूप में कुछ भी अपनी राशि इकट्ठा कर सकते हैं। और भी सर हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, धन्यवाद। आ जाता है आज के दिन में, जब राजीव जी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। ठीक है।